वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची में 24 घंटे में इतनी शदीद बारिश कभी नहीं हुई। सिंध हुकूमत पहले से बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल बल्दियाती इलेक्शन की वजह से जहर उगल रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौर में एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। तनकीद करने वाले अपने दौर में नालों की सफाई के पैसे मांगते रहते थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज्यादा हो रही थी। इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। मुस्तफा कमाल MQM वाला अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। ये PTI वाले 14 MNA दिए सिवाय TV पे करने के कोई काम किए उन्होंने? उनका जो बड़ा है बैठा हुआ वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? कराची की फिक्र है तुम्हें? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई थी, उन्हें 4 साल लगा है उसको कंप्लीट करने में। K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है जो नाले के ऊपर है, शाहीन कॉम्प्लेक्स के साथ नाले के ऊपर पार्किंग किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग नाले के ऊपर मैंने बनाई है। एक बड़ा TV मीडिया ग्रुप है, नाले के ऊपर दफ्तर मैंने बनाया है। एक ही डिमांड होती थी जब भी होते थे, नालों की सफाई के लिए पैसे दे, 200 मिलियन दे, 800 मिलियन दे। ये पैसे इस शहर के साथ बहुत कुछ किया है लोगों ने, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2007 से शहर की पोजीशन बहुत बेहतर है, 2020 से शहर की पोजीशन बेहतर है।